फ्रेंड्स, वेलकम टू आइसोटोप क्लासेस। आज मैं काफी दिनों के बाद आपके सामने फिर से अपने नए वीडियो के साथ वापस आ रहा हूं। आज मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं, जहां पर आपको कुछ कंफ्यूजन होते हैं, डाउट हो जाते हैं। आज अगर आप इस चीज को देखते हैं तो आपको कभी डाउट नहीं होगा। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हेल्थ एंड डिजीज से संबंधित कुछ बीमारियों में जो सिम्टम्स दिए गए हैं, वो सिम्टम्स कभी कभी कई डिजीज दी गई है वो उनमें सिम्टम जो है वो कॉमन है, उन कॉमन सिम्टम्स हैं। तो मैं उन कॉमन सिम्टम्स को मैं क्लियर करूंगा आपको कि कैसे आप याद रखेंगे और हमेशा याद रहेगा, एग्जाम में कोई डाउट नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम में आजकल कर क्या रहा है, मैंने देखा है अलग अलग एग्जाम में क्या करता है, सिम्टम देके पूछता है ये किससे संबंधित, किस डिजीज से रिलेटेड सिम्टम्स दिए गए हैं। तो वहां पे हमें कन्फ्यूजन, क्योंकि वहां पे क्या है सारे लगभग कॉमन दे रखे हैं, तो हमें जो है डाउट हो जाता है। तो आज मेरा देखेंगे वीडियो, उसके बाद आपको आज के बाद कभी कोई इसमें समस्या नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। आइए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। सबसे पहला हमने दिया है डिजीज जो है वो है टाइफाइड, के बारे में बताने की कोशिश करी हमने, उनके सिम्टम। आपको इसके कॉजिंग एजेंट याद रखने होंगे, इसमें जो टेस्ट कराया जाता है वो याद, और इसकी वैक्सीन जो आपको याद रख लेना पड़ेगा, है ना। ये आप याद रख लीजिएगा। सिम्टम्स जहां पे कंफ्यूजन होते हैं वो मैं आपको याद करवा दे रहा हूं। आप देखिए यहां मैंने लिखा है HCF was tough, हमने बचपन में पढ़ा था ना HCF हायर कॉमन फैक्टर और was tough, तो आज बहुत छोटा सा वर्ड लिखा है HCF was tough, tough typhoid, ठीक है। देखिए H headache, C constipation, F fever, जितनी भी डिजीज दी गई हैं लगभग हर में जहां पर H आ रहा है उसका मतलब हेडेक है। मैं अभी और भी डिजीज के बारे में बताऊंगा, तो वहां पर क्या है H का मतलब आप हेडेक समझेंगे, कहीं भी H अगर वो यूज किया गया उसका मतलब हेडेक, और कहीं F यूज किया गया है तो उसका है फीवर। जहां पर चेंजेस मिलेंगे वो आपको C में मिलेंगे, क्योंकि C में ही कंफ्यूजन है, C अलग अलग चीजें दी हुई हैं। तो आज आप देखिए, उसके बाद लिखा है was में W का मतलब वीकनेस, A का मतलब लॉस ऑफ एपीटाइट, एपीटाइट से A, ठीक है, भूख ना लगना। S स्टमक पेन, पेट में दर्द होता है। टाइफाइड में क्या होता है, हेडेक होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिपेशन होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, याद रखिएगा। फीवर, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट और स्टमक पेन, ठीक है, ये आपको याद रखना है टाइफाइड्स के बारे में। छोटी सी ट्रिक है HCF was tough, सिंपल है। देखिए अब मैं आपको बताने वाला हूं मेरी नेक्स्ट डिजीज के बारे में, दैट इज निमोनिया, ठीक है। निमोनिया के मैं सिम्टम्स आपको, इसके कॉजिटिव एजेंट, इसमें कौन सा वैक्सीन लगता है और ये इन्फेक्शन किस क्षेत्र में होता है हमारे, है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, आप याद रखेंगे, है ना। कभी कभी यहाँ से यही पूछ लेता है कि लंग्स में अल्वोलाई डिस्टर्ब होती है नहीं होती है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, आप याद रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ बता नहीं रहा हूं, मैं मेरा जो फोकस है वो है सिम्टम्स को याद करना जहां पे कंफ्यूजन है, ठीक है। यहां मैंने लिखा है, देखिए वहां पर क्या है, HCF was tough, tough क्यों है, बिकॉज HCF was new for children, HCF new for children, बच्चों के लिए नया था इसलिए क्या है वो tough है। यहां पर न्यू निमोनिया, न्यू है, निमोनिया है, ठीक है। देखिए H का मतलब हेडेक, वापस मैंने कहा था पहले ही कि H जहां यूज करूंगा उसका मतलब हेडेक है, H हेडेक। यहां देखिए C, वहां पर C कॉन्स्टिपेशन था, यहां C चिल है और कफ है, भाई ठंड लगेगी तो कफ होगा, इसलिए HCF was tough याद कर सकते हैं, चिल एंड कफ। F मैंने पहले ही कहा था, F मतलब फीवर। दीज आर द सिम्टम्स गिवन इन एनसीईआरटी अबाउट निमोनिया, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या चिल एंड कफ जरूर याद रखें, ठीक है। आशा करता हूं आपको मेरी ये जो बताने का तरीका होगा, जो मैंने सिम्टम्स याद करने का तरीका मैंने यूज किया है, आपको पसंद आया होगा, ठीक है। प्लीज फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।